जब मैं बनूंगा गाइस ना यूपी का सीएम, बनूंगा नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ, तो इसका नाम समीम रखाऊंगा। सैम ब्लॉक शेयर रहेगा इसका नाम, इस रेलवे स्टेशन का नाम हम रखेंगे सैम ब्लॉक शेयर, तो और भी ज़्यादा मजा आएगा देखने वालों को भी सुनने वालों को भी। यहाँ पे जितने लोग आएंगे सबसे पहले लिखा रहेगा ऊपर सब्सक्राइब करो सैम ब्लॉक शेयर, और उसके बाद तब बैठो रेलवे स्टेशन पर। सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना गाइस, कसम से बहुत ज़्यादा मजा आप लोग को आएगा। इधर का इधर का सीन, उधर का सीन, सब जगह का सीन दिखाऊंगा, एंजॉय करूँगा सब कुछ, बस अब यही सब कुछ। तो आप लोग सपोर्ट करते रहो और मुझे आगे बढ़ा दे रहो, आप लोग का कभी एहसान नहीं भूलने वाला। आप लोग गाइस प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा तो आप लोग को मैं दूंगा, आगे लेके जाऊंगा कसम से गाइस, बता रहा हूँ मैं, सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग को लेके जाऊंगा मैं बहुत अच्छी जगह पे, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को एंजॉय है गाइस, कसम से एंजॉय। तो गाइस आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग देखिए इसको, ये सिद्धार्थ नगर का रेलवे स्टेशन है। तभी चलते हैं हम लोग, आप लोग को पूरा का पूरा सीन दिखाते हैं। यहाँ अमजद भाई और यहाँ मैं, तो हम दोनों अब चल रहे हैं गाइस दिखाने के लिए। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, आप लोग को दिखाता हूँ एकदम शुरुआत से, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से ख़त्म होता है। गाइस स्टार्ट वहाँ से होता है, ये जो आप लोग सीन देख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, और ये इधर से होता हुआ यहाँ पार्किंग एरिया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं उधर लास्ट में जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो ये पानी की टंकी है गाइस, ये मेरे लिए है, मैंने बनवाया था गाइस ये तो पूरा का पूरा सेम, पूरा रेलवे स्टेशन मैंने अपने पैसे से बनवाया था गाइस, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। अमजद भाई से पूछ लीजिए कौन बनवाया था भाई, बनवाया था मैंने ना, हाँ तो हम लोग बनवाए थे गाइस हम दोनों मिलके, पैसा मैंने दिया था, ये पूरा कारोबार संभाल लिया था बाबू ने। तो हम लोग चलते हैं अभी अंदर, अंदर दिखाते हैं, आप लोग मेरा नाम भी लिखा होगा कहीं। किस अमीन ने बनवाया था अपनी गाड़ी है, was it the voice, was it the fire burning in me, all of the noise turned into choirs of harmony, left me with the pieces of forever. तो गाइस मैंने सोचा आप लोग को सामने से दिखाता हूँ, सामने से चलेंगे आप लोग को दिखाएंगे पूरा का पूरा सीन, आप लोग पीछे यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना लंबा चौड़ा है, यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पूरा घुमान आप लोग दिखा दिया मैंने पूरा का पूरा सीन। अभी और भी कुछ दिखाने वाला हूँ, चलते हैं ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर चलेंगे उधर, अब पूरा कितना सीढ़ी है पूरा गिन के दिखाऊंगा मैं, कि यहाँ पे नौगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है उसके ब्रिज पर कितनी सीढ़ियाँ हैं, आज आप लोग को ये पता हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको मैंने किया था, कि हो सके आप लोग को ज़्यादा पसंद आए, इसलिए अब गिनते हैं इसके बाद। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ से लेके वहाँ नीचे तक पूरा 50 सीढ़ी है, मुझे गिनती नहीं आता इसलिए यहाँ से फिर से गिनूंगा एक दो करके। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा इधर का पूरा 50 सीन था,
50 सीढ़ियाँ भी थी तो मुझे गिनती नहीं आता है, इसलिए शुरुआत से फिर से गिनूँगा मैं, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 50 तक गिनती आता है, बस उसके आगे आता नहीं है। तो मैं फिर उसके बाद फिर से गिनूँगा। अमजद, तुमको आता है गिनती करने? तो इस बार अमजद करेगा, क्योंकि मुझे यार आता नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने कम से कम 50 तक किया, इतना ही मेरे लिए बहुत है गाइस। उसके बाद अब अमजद से गिनाते हैं, लोग चलते हैं उधर, पूरा का पूरा सीन दिखाते हैं, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इधर का पूरा सीन और उधर का पूरा सीन। ये सिद्धार्थ नगर का रेलवे स्टेशन है गाइस। पहले ये नौगढ़ का रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम बदल के योगी महाराज जो हैं सब जगह अपना अपना काम चला रहे हैं, जो मन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा खासा नाम था नौगढ़, किसी का भी नाम जो भी रहता है वो भी अच्छा रहता है। तो ये सिद्धार्थ नगर तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, सिटी का तो नाम था ही, लेकिन इन्होंने इस जगह का भी नाम सिद्धार्थ नगर रख दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस ये नाम बदलने वाला सिस्टम इनका, हर जगह का बदल बदल के अपने मन का रख रहे हैं, मन पसंद का। जब मैं बनूंगा गाइस ना यूपी का CM, बनूंगा नहीं वैसे, मजाक कर रहा हूँ, तो इसका नाम समीम रखूँगा, सैम ब्लॉक्स हेयर रहेगा इसका नाम। इस रेलवे स्टेशन का नाम हम रखेंगे सैम ब्लॉक्स हेयर, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। यहाँ पे जितने लोग आएंगे सबसे पहले लिखा रहेगा ऊपर सब्सक्राइब करो सैम ब्लॉक्स हेयर, और उसके बाद तब बैठो रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर हैं अभी, आप लोग देख सकते हैं इधर का पूरा सीन गाइस, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग गाइस, आप लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे बाइक से लोग जा रहे हैं इधर पूरा का पूरा सीन। हाँ गाइस, एक चीज़ और आपको बताना था, वहाँ पर एक रेलवे पटरी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी और चौथी वाली जो गाइस है यहाँ पे, अब आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए ये चौथी वाली यहाँ पे। तो गाइस अब चलते हैं कहीं और कुछ दिखाने के लिए। तो कहाँ पे चले बाबू, उतरते हैं? हाँ गाइस, उतर के आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि 50 तक वहाँ पे हो गया था, अब इसके आगे गिनेंगे उसके बाद चलेंगे उधर। 51 52 53 54। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये रेलवे की पटरी के बीच में जो रहता है कंकड़, ये सब इसलिए डाला जाता है गाइस, मैं सोच रहा हूँ आप लोग को बता दूँ। देखिए साइड में इस तरफ है और उस तरफ भी है, ये इसलिए रहता है क्योंकि पटरियाँ जो होती हैं सिकुड़ती रहती हैं, तो धूप गर्मी में सिकुड़ेंगी, ठंडी में सिकुड़ेंगी, गर्मी फैल जाएंगी धूप लगने से, क्योंकि लोहा है गाइस। तो बगल बगल इसलिए रखा रहता है ये, कि ये इधर उधर ना हो सके, नहीं तो जब रेल आएगी तो दिक्कत हो जाएगा, इधर उधर हो सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो जाए, इसलिए ये रखा रहता है बैलेंस करने के लिए, कि दोनों तरफ से बराबर रहेगा तो इधर उधर से आएगा नहीं। ये बात ही बता देता हूँ आप लोगों से, अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि जानकारी आप लोगों को रहेगी बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर ब्लॉग में कुछ जानकारी मिल जा रही है बहुत बढ़िया, अच्छा ही है गाइस। हम लोग चलते हैं अभी खाला के घर पे अपने, तो वहाँ से लौटेंगे फिर चलेंगे अपने घर, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे चलेंगे। अभी एक खाला और हैं तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आप लोग को नहीं दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो मैं नहीं चाहता मेरे ब्लॉग में कुछ भी दिक्कत हो, मैं हर एक चीज़ बचा के रखता हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देता अपने ब्लॉग में। तो अभी चलता हूँ गाइस, फिर अभी आके वहाँ से मिलता हूँ गाइस। सोचा था आप लोग को बहुत अच्छे से दिखाऊँगा, लेकिन यार वहाँ जैसे पौधा खाला के घर पर वहाँ बारिश होने लगी, तो हम लोग चले गए थे अंदर, मैं और अबू मेरा, तो हम लोग फिर से चल रहे हैं गाइस फिर तक घर पर। आप लोग देख लीजिए सीन इधर का पूरा सीन, अभी हम लोग चढ़ने जा रहे हैं इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं गाइस पूरा का पूरा सीन। तो बाबू तो चढ़ चुका है, मैं भी चढ़ने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर, यहाँ पे है ये, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर का ये बोर्ड यहाँ पे, और आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे रेड लाइट जल रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
तो गाइज फाइनली आप लोग को हो सके वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने पूरा का पूरा सीन दिखाया और उधर का भी पूरा सीन दिखा दिया मैंने। तो अब मैं चलता हूँ घर, वीडियो करता हूँ एंड। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप लोग कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद आराम से हम लोग चलते हैं घर।